नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। 34 साल की नौकरी के बाद पेंशन बनी 1985 रुपये और महीने की दवा का खर्च 6000, कैसे होगा एक कर्मचारी का गुजारा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि सरकारी कर्मचारी क्यों NPS की जगह पर OPS का मांग कर रहे हैं और सरकार क्यों उनको OPS का लाभ नहीं देने जा रही है इसके बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ये जो सच्ची घटना है इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, जिससे वो भी इस महत्वपूर्ण और एक जो सच्ची जानकारी है उसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, खबर वो ये है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने कि 34 साल की सरकारी नौकरी की है, इसके बावजूद उसकी पेंशन यहाँ पर बन रही है 1985 रुपये और उसकी फैमिली का जो मेडिकल खर्च एक महीने का है वो लगभग 6000 रुपये है। तो यहाँ पर 2000 रुपये की पेंशन में कैसे एक व्यक्ति 6000 रुपये का जो दवाई है वो खर्च खरीद पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक सोचने वाली बात है कि जब NPS में एक सरकारी कर्मचारी को 2000 रुपये की पेंशन मिल रही है तो कैसे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाएगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर रही है वो ये है कि लोक निर्माण विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे जिनकी की नियुक्ति 1985 में हुई थी। कुछ ही समय वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किए, उसके बाद उन्होंने रेगुलर कर दिया और लगभग 10 साल से ज़्यादा की नौकरी उन्होंने रेगुलर सरकारी कर्मचारी के रूप में की है। इसके बावजूद भी उनकी जो NPS के तहत पेंशन बनी है वो बनी है यहाँ पर 1985 रुपये। तो इस तरीके से 1985 रुपये में कैसे वो सरकारी कर्मचारी अपना खर्चा चला पाएगा। तो सरकारी कर्मचारी ये बात जान चुके हैं कि NPS के तहत उनको मिलने वाली पेंशन पूरी तरीके से शेयर मार्केट पर आधारित है। यदि शेयर मार्केट डूब जाएगा तो कर्मचारियों का पैसा भी डूब जाएगा और उनकी पेंशन काफ़ी ज़्यादा कम बनेगी। इसके अलावा जो पेंशन बनेगी उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी, ना ही उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाएगा, महंगाई राहत दिया जाएगा, ना ही उसमें वेतन आयोग आने पर किसी प्रकार की बढ़ोतरी होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी NPS की जगह पर OPS की मांग कर रहे हैं। हालांकि कई सारी जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो ये बता रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS ही ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या 2000 रुपये की मासिक पेंशन में एक सरकारी कर्मचारी का गुजर बसर हो सकता है या फिर नहीं। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।